हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, आज की क्लास में हम समझेंगे प्रवाह इंग्लिश वर्कबुक क्लास 6 और 7 के अंतर्गत वर्कशीट नंबर 45 एंड वर्कशीट नंबर 46। चलिए शुरू कर दें। वर्कशीट 45, कॉम्पिटेंसी आइडेंटिफाई अपोजिट्स एंटोनिम्स एप्रोप्राइटली। फर्स्ट, हियर आर सम बलून्स, कलर इच सेट ऑफ अपोजिट वर्ड्स इन द सेम कलर एंड राइट द पेयर्स बिलो। यानी सेम कलर जो अपोजिट वाले हैं उनको कलर करना है। देखिए, फास्ट का कौन सा होगा स्लो, तो इन दोनों को सेम कलर से कलर करना है। इसी प्रकार से रिच का होगा पुअर, इनको भी सेम कलर से कलर करना है। डर्टी का होगा क्लीन, इन दोनों को सेम कलर से कलर करना है। शार्प इसका होगा ब्लंट, इन दोनों को सेम कलर से कलर करना है। कॉल्ड इसका होगा हॉट, इनको सेम कलर से कलर करना है। अब हम इनको लिखेंगे पेयर्स, जो अपोजिट वर्ड है लिखेंगे फास्ट स्लो, फास्ट का अपोजिट स्लो। इसी प्रकार से रिच का पुअर, डर्टी क्लीन, शार्प ब्लंट, कॉल्ड हॉट। ये हमने अपोजिट वर्ड लिखे। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, अगला क्वेश्चन नंबर 2, राइट सिनोम्स ऑफ दीज वर्ड्स। अब इनके सिनोम्स लिखने हैं, तो लिखेंगे सिक यानी इल, चार्ड टॉप, arrive come, popular famous, wrong incorrect, pupil student, मैरिज वेडिंग, परचेज बाय, वीप क्राई, जॉय हैप्पी। तो ये थी वर्कशीट नंबर 45। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं वर्कशीट नंबर 46, कॉम्पिटेंसी रिस्पॉन्ड टू परेज इन वर्ड्स और शॉर्ट सेंटेंसेस। डिस्कस विद योर फ्रेंड्स एंड राइट दी बिलो। एनिमल्स दैट ईट ग्रास, जो ग्रास खाते हैं, काउ, गॉट, बफेलो, दैट ईट फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स,
मंकी, एलिफेंट, ये फ्रूट्स वेजिटेबल खाते हैं। थर्ड है ईट दैट ईट अदर एनिमल्स, जो दूसरे एनिमल्स को खाते हैं। लायन, टाइगर, वुफ, फॉर दैट लिव ऑन लैंड, जो जमीन पर रहते हैं। तो जमीन पे कौन रहते हैं? काउ, लायन, डंकी। फाइव दैट लिव इन वाटर, जो पानी में रहते हैं। फिश, क्रोकोडाइल, वेल, या इसकी जगह आप कर दीजिए एलिजेटर। बर्ड्स दैट फ्लाई, क्रॉ, पैरट, पिकॉक, इस प्रकार से ये हम लिख सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये थी वर्कशीट नंबर 46। तो हमने वर्कशीट नंबर 46 समझी, आप भी इसे समझिए, अभ्यास कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए। फ्रेंड्स, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक साथियों, विद्यार्थियों, मित्रों तक हमारे वीडियो शेयर जरूर कीजिए। मिलते हैं अगली क्लास में नए वीडियो, नए कंटेंट के साथ में। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ रहे। थैंक यू।